साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। केसीआर की बेटी ने बीजेपी सांसद को दी धमकी, बोली बीच चौराहे पर चप्पल से मारूंगी, भाजपा नेता ने थाने में की शिकायत। सफाई चाहिए तो केजरीवाल को वोट दो, आपने एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए शुरू किया कूड़ा वाहन। टीआरएस विधायकों की खरीद परोक्त मामले में बीजेपी नेता को समन, एसआईटी ने बीएल संतोष को 21 नवंबर को थाने बुलाया। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू, 29 दिसंबर तक चलेगा, 23 दिन में 17 बैठकें होंगी। सावरकर पर राहुल का बयान, तोड़ सकता है कांग्रेस शिवसेना गठबंधन, उद्धव गुट के नेता बोले नेतृत्व फैसला लेगा। श्रद्धा मर्डर केस पर बोले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बयान, बोले अगर यही कृत्य कोई हिंदू करता तो अब तक देश में दंगे हो जाते। गोंडा में मौलवी की महिला से दुष्कर्म का मामले में आरोपी मौलवी की लोगों ने जमकर की पिटाई, मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमीरपुर में प्रशासन ने की खदानों पर बड़ी कार्रवाई, डीएम और एसपी ने मोरंग खदानों का किया औचक निरीक्षण, 18 मशीनों को सीज किया। राजधानी लखनऊ में फिर से बढ़े डेंगू के मामले, बीते 24 घंटे में 48 नए केस आए सामने, पूरे प्रदेश में 14,000 से ज्यादा केस। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, गंभीर रूप से घायल हुआ, जिला अस्पताल रेफर किया गया। चीनी युवाओं की उइगर मुस्लिम लड़कियों से जबरन शादी, विरोध करने पर पेरेंट्स को जेल, विवाह के लिए दिए जा रहे रुपए। बाइडेन की फिटनेस पर फिर सवाल, G20 में स्टाफ ने लिख कर दिया कहा बैठना और कब बोलना है, ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट को बीमार कहते। नॉर्थ कोरिया ने दागी यूएस तक पहुंचने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, जापान की समुद्री सीमा में गिरी, कमला हैरिस भड़की। जमाल खाशोगी हत्याकांड पर बाइडेन की सबसे बड़ी पलटी, रिश्तों में खटास, फिर भी मोहम्मद बिन सलमान को बचा रहा अमेरिका। पहली बार दुनिया के सामने आई किम जोंग उन की बेटी तानाशाह, पिता के साथ देखा उत्तर कोरियाई मिसाइल लॉन्च। फिसड्डी फुटबॉल टीम को आईपीएल चैंपियन से ज्यादा पैसा, फीफा विजेता को 359 करोड़, हर टीम को कम से कम 72 करोड़ की गारंटी। बीसीसीआई ने सीनियर सिलेक्शन कमेटी बर्खास्त की, चेतन शर्मा समेत सभी सिलेक्टर्स हटाए गए। मनिका एसीआई टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय, क्वार्टर में चीनी ताइपे की चेन सुयू को 4-3 से हराया। अगर कर नए चीफ सेलेक्टर के लिए बीसीसीआई की पहली पसंद, दिल्ली फ्रेंचाइजी के असिस्टेंट कोच से करना होगा रिजाइन। कतर पर फिक्सिंग का आरोप, 60 करोड़ घूस दी खेल से पहले, खेल का डोर टीम के 8 खिलाड़ियों को मैच हारने के लिए कतर ने रिश्वत दी। बॉक्स ऑफिस पर कांतारा के 50 दिन पूरे, फिल्म की कमाई 400 करोड़ के करीब, मेकर्स ने ऑडियंस का जताया आभार। खुद की फिल्म भी नहीं देखते सुरेंद्र राजन, ना शादी की ना ही घर खरीदा, ज्यादा कमाई हो तो लोगों में बांट देते हैं पैसे। रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा, शो मूविंग विद मलाइका को प्रमोट करने पहुंची, ब्लैक एंड व्हाइट लुक में दिखी क्लासी। डे
फैशन लुक में नजर आए अर्जुन कपूर। मुंबई एयरपोर्ट पर हंसिका मोटवानी, जानवी कपूर, संजय दत्त और महिमा चौधरी हुए स्पॉट। आमिर खान की बेटी आयरा ने की सगाई। फंक्शन में आमिर की फैमिली के साथ दिखी दोनों पत्नियां फातिमा सना शेख भी आई नजर। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।